सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो, कोई भी वीडियो ना मिस करो। हाय दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक्स जो कि आप अपना डेवलपर मोड कैसे ऑफ कर सकते हैं। हम ऑन तो कर लेते हैं भाई, अब बंद कैसे करें? बंद उसी पड़ा रहता है, चलो कभी कोई काम ना हो, कोई कभी गलती से घुस गया और कुछ ना कुछ ऑन कर दिया तो मुसीबत हो जाती है। ठीक है, वाली बात है, कई बार बच्चे छेड़ देते हैं, कोई ना कोई छेड़ देता है, तो उसको हम बंद कैसे करें? तो आज वही ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं विजुअल गुण, आप देख रहे हैं सोशल टेक्निक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फटाफट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। चलो पहले सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे जाने के बाद आपको दिखते हैं यहाँ पर डेवलपर मोड, तो ऑन ही रहता है। ऑन देखिए, ऑन पे यहाँ पे बहुत कुछ है, तो अगर गलती से कुछ ऑन गया तो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, कई बार कोई ना कोई घर में बच्चे सब होते हैं, कई बार होता है तो छेड़ा छाड़ी होता रहता है, तो वो चीज़ वाली बात। ठीक है, तो इसको हम बंद कैसे करें? सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ऐप मैनेजर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा आपका सेटिंग कहाँ। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग ढूंढ लेते हैं तब तक। चलो दोस्तों, हमें सेटिंग मिल गई है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऐप मैनेजर में आके यहाँ पे ढूंढ लिया, मतलब सारे ऑल लिखा रहा है, तो यहाँ पे सारे जो एप्लीकेशन है इसमें दिखाई देगा, जो भी बाय डिफॉल्ट फोन में है, चाहे आप उसको इंस्टॉल करके। तो यहाँ पे अपना सेटिंग में आना है, सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लीन डाटा पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैंने क्लीन डाटा पे क्लिक कर लिया, ये बंद हो गया। दोबारा से हम इसे ऑन करते हैं, फिर सबसे नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ गायब हो गया, जादू है ना दोस्त, जादू टाइप का ही है, तो यहाँ पे गायब हो गया। अब ऑन करने के लिए हमेशा हमको ऐसे ही करना पड़ेगा जो कि हम पहले करते थे, 7 बार टैप, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके 7 बार हम इसको टैप करेंगे तो फिर से वो ओपन हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा उसे ऑन कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो उसे ऑफ कर देंगे। इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हो। ठीक है दोस्त, आई होप दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया तो। और मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐप के रिव्यू और गेम के रिव्यू लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतनी, जय हिंद, वंदे मातरम।